अब नया वीडियो है तो कुछ नया भी करना चाहिए अच्छा लग रहा है इसका कलर भी चेंज करें क्या इतना अच्छा नहीं लग रहा वापस बदल लेते हैं ये वाला वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक और कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं तो यार हर बंदा यूज करता है और आप लोग भी करते होंगे मैं खुद व्हाट्सअप बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इसीलिए वाट्सअप की दस ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोग के बहुत काम आएंगी जिसमें से दो ऐसी टिप होंगी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी तो उन्हें देखना मत भूलना खाना खाने के बाद मिठाई खाने का अलग ही स्वाद आता है तो ये वाली टिप इन सारी टिप्स के बाद में आप लोग को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इसको नीचे नीचे डाल देते हैं फटाफट व्हाट्सएप को उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा सकते हैं फेसबुक में फिल्टर लगा सकते हैं लेकिन व्हाट्सअप में हम फिल्टर क्यों ना लगाएं? तो व्हाट्सअप में अभी आपको फिल्टर देखने को मिलते हैं आपको स्टोरी लगानी है जो भी फोटो आप लोगों को रखनी है अपनी फोटो को थोड़ा सा अप करना है और वहाँ पे आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं अभी ज्यादा नहीं है बट फ्यूचर के अंदर बहुत आने वाले हैं अच्छा सुनो देख के डिलीट कर देना ये वाला डायलॉग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अब यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कोई भी अगर आप फोटो किसी को सेंड करते हो तो वो एक बार देखेगा उसके बाद वो कभी ओपन ही नहीं होगी लाइक किसी की भी फोटो अगर आपको सेंड करनी है वो सिलेक्ट करनी है वहां पे आपको एक आइकन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है और वहां पर सेंड कर देनी है वो सिर्फ एक बार उस फोटो को ओपन कर पाएगा उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगी ना ही वो डाउनलोड कर सकता है स्क्रीन तो यार मार सकता है तो थोड़ा व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेज लो तो बहुत ज़्यादा फट जाती है वो और थोड़ी पिक्सलेट हो जाती है तो आपकी ब्यूटी नहीं दिखती चेहरा एकदम थोड़ा सा खराब सा हो जाता है लेकिन अगर आप लोग सेटिंग के अंदर जाना है वहाँ पे आपको स्टोरेज एंड डाटा में जाना है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपलोड फोटो उस पर क्लिक करके बेस्ट क्वालिटी पे सेलेक्ट कर देना है मतलब आपकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं होगी अब आपको कोई डॉक्यूमेंट वाला से झंझट नहीं करना पड़ेगा इस बात पे तो यार लाइक बनता है व्हाट्सअप की ये टिप आप लोग को बिल्कुल नहीं पता होगी मैं लिख के दे सकता हूँ व्हाट्सअप की स्टोरी पे जो भी टेक्स लिखना है वो लिख दो उसके बाद में जो टी लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तब आपकी जो टेक्स लिखे हुए हैं उसके फॉन्ट चेंज होते हैं जो स्टाइल है वो चेंज होती है इंस्टाग्राम की तरह और ये वाला फीचर डेफिनेटली किसी को नहीं बहुत कम लोगों को पता होगा आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ यार आप लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल सी टिप अगर आप लोग का डाटा बहुत ज्यादा खर्च होता है कॉलिंग के अंदर तब आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है स्टोरेज और डाटा के अंदर जाना है वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है यूज लेस डाटा फॉर कॉलिंग उसको इनेबल कर देना उसके बाद में आपका जो इंटरनेट है वो थोड़ा कम खर्च होगा रात को चेटिंग कर रहे हो आसिक लोगों की काफी काम की होने वाली है क्योंकि रात भर लगे पड़े रहते हैं मेरा खुद का दोस्त पड़ा रहता है रात भर सेटिंग के अंदर जाना है वहाँ पे चेट में जाना है वहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा वॉलपेपर करके चेंज कर देना है फोन का आप डार्क मोड ऑन करना है, में जाना है आप कोई डार्क और जैसे ही आप इसके अंदर लाइट मोड इनेबल कर देंगे तब ये वाला वॉलपेपर रहेगा जैसे आप डार्क मोड से लाइट और लाइट से डार्क में स्विच होंगे ये वॉलपेपर भी ऑटोमेटिक चेंज होंगे जो प्रोपरबली बहुत ज्यादा लोगों के काम के हैं जो रात भर लगे रहते हैं मैं माइंड नहीं कर रहा यार लगे रहो तुम्हारी इच्छा ये इंस्टाग्राम तो सारे फीचर्स लेके घूम रहा है तो इस इंस्टाग्राम में एक और फीचर होता है मतलब कि स्टोरी के अंदर अगर आप कोई बैकग्राउंड क्रिएट करना है और फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है ये ऐप आप व्हाट्सअप पे भी कर सकते हो अगर आप लोग को नहीं पता था तो व्हाट्सअप में जो स्टोरी वाला सेक्शन होता है वहां पर जाना है वहां पर मार्क भाने जो पेंसिल रखी है उस पर क्लिक करना है वहां पे आपको जो वॉलपेपर है वो मिल जाते हैं और वहां पर आप कोई भी टाइप कर सकते हो मतलब कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो लाइक इंस्टाग्राम देखो यार मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सादा सा बनाना हूँ व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ बट लोग इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते यार अपन से मतलब ए... होगा कोई मतलब विकास नाम से कोई रखा होगा वो कांटेक्ट में कोई किसी को कुछ भी सेंड नहीं करता मेरे को लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका भाई व्हाट्सअप भरा पड़ा रहता है तो आप लोगों को क्या करना है आपको जाना है सेटिंग के अंदर वहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा में जाना है और वहाँ पे वहाँ पे आपको स्टोरेज वाला ऑप्शन देखने को मिलता है उस पर क्लिक करना है आप लोगों के पास कितना डाटा आप लोगों ने यूज़ कर रखा मतलब इंटरनेट डाटा नहीं आपका जो स्टोरेज है वो कितना यूज़ कर रखा वो बता देता है मतलब छः जी बी आठ जी बीस जी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप से भर रखा है पता चल जाता है मैंने तो यार छः पॉइंट पाँच एम भर रखा है और अब बढ़ गया तो नहीं और तो यहां से आप सिंपली डिलीट कर सकते हो जो भी फोटो आप लोग को डिलीट करनी है जिसकी वजह से आपका थोड़ा डाटा खत्म होगा और, और आ पाएगा फिर नाउ टाइम टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी टिप नंबर व्हाट्सएप अगर हम किसी से भी भी चैट करते हैं तो एंड एंड टू रहती है मतलब कोई भी आप लोगों की चैट नहीं पड़ सकता लेकिन बैकअप का क्या मतलब तो जो चैट आप लोगों ने की है वो क्लाउड स्टोरेज में आप लोगों के बैकअप हो रहा है लेकिन वो बैकअप जो हो रहा है वो क्या सिक्योर है सेटिंग के अंदर जाना है चेट में जाना है चेट बैकअप में जाना है वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन बैकअप मतलब आपका जो बैकअप अपलोड uh, हो रहा है आपके गूगल ड्राइव के अंदर वो इनक्रिप्ट कर सकते हो इसको इनेबल करने के बाद आपका जो बैकअप अपलोड होगा उसके ऊपर भी पासवर्ड लग जाएंगे उसको जब भी कोई डाउनलोड करना चाहेगा उसको वो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर क्लिक करेंगे पासवर्ड जनरेट करेंगे अगेन पासवर्ड जनरेट करेंगे और फिर डन तो आपकी चेट और आपका बैकअप दोनों ही बहुत ज्यादा सिक्योर है सिक्योरिटी टिप नंबर टू जिसके अंदर आप फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हो मतलब कोई भी आपका व्हाट्सअप ओपन करके कोई भी चेट पढ़ लेगा रविता गविता जिसकी भी फोटो देखनी होगी वो फोटो देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐप लोक की बात कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा हूँ व्हाट्सएप में भी एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट के लिए ऑप्शन आता है जिसमें आपको सेटिंग में जाना है अकाउंट में जाना है प्राइवेसी में जाना है वहां पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन देखने मिलेगा उस पर क्लिक करना है अपना फिंगर चिपकाना है और आपका काम हो गया यह वाला फंक्शन तभी काम करता है जब आपके

और ग्रुप में भाई घूम गया है तो मेरे को वहाँ पे सर्च करना है टाइम टेबल और क्योंकि मेरे को पता है पीडीएफ है डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे और हमारा टाइम टेबल आ जाएगा मतलब सारे डॉक्यूमेंट शो करने लग जाएगा ये वाली बोनस टिप बहुत काम की आने वाली है बहुत रेयर आएगी बहुत ही कम टाइम में काम आएगी लेकिन जब भी काम आएगी मेरे को सब्सक्राइब करने का मन करेगा तो अभी कर दो हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ अभी तक तो इतने अच्छे कॉन्टेंट नहीं बनाया, लेकिन अब से फाड़ देंगे देखो टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो ना भाई आप लोगों से ज़्यादा बेस्ट कोई भी नहीं है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यार रीज़न बता देना कि आप लोग लास्ट तक देख रहे हो बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए बाबा